हेलो दोस्तों तो आज की टू मिनट सीरीज में हम जोग्राफी में एनर्जीज एसोसिएटेड एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड योर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम या अगर मैं उसको uh, सही शब्दों में कहूँ तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम ठीक है दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि आप पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ लेते हो इट सीम्स सो ईजी बट क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पार्ट से आता है एंड ऑल डिस्कस दैट इज वेल बिकॉज यूपीएससी में इससे एसोसिएटेड सवाल एक बार पूछा हुआ उन्होंने तो फॉर एग्जाम्पल आप आ, अगर आप इसे देखें हमने सबने देखा हुआ है कि जब भी हम कोई अप्लायंस खरीदने जाते हैं या इलेक्ट्रिकल वाला सामान खरीदने जाते हैं ऐसी कुछ स्टार्स के बारे में बताते हैं वो हमें कि कितने स्टार्स हैं कितनी एनर्जी सेविंग्स होंगी है ना तो इट साउंड वेरी इजी वे इट इज़ वेरी सिंपल राधा अगर हम इसको पढ़ें तो पर सबसे पहले आई वो मेक यू वर्क आई गिव यू द फैक्टुअल डेटा कि अगर इससे सवाल आ जाए शुड बी एबल टू आंसर कि कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये तो आपको याद रहेगा पावर से लेकिन इस पूरे के पूरे स्टार रेटिंग प्रोग्राम को किसने फॉर्मुलेट किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियसी पहला फैक्चुअल डेटा विच इज इंपोर्टेंट और ये पूरा का पूरा कौन से एक्ट के अंदर आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 थाउजेंड वन दर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही फैक्चुअल डेटा हैं आपने याद रखने ठीक है अब मान लो मुझसे पूछ ले कि एजेंडा क्या है इसका तो सिंपल सा एजेंडा है कि स्टार्स दिए हुए हैं जितने ज़्यादा स्टार्स हैं अकॉर्डिंगली उतनी आपकी एनर्जी सेविंग हो रही है उतना ही बेटर अप्लायंस है राइट लेकिन ऑब्वियसली उसका प्राइस भी वैसे ही बढ़ता जाता है तो बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं कि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म किया जाए कि, कि किस तरह से कौन सा जो भी आप अप्लायंस खरीदने जा रहे हैं उसका एनर्जी परफॉर्मेंस कैसा है एंड अकॉर्डिंगली आप उसको खरीदें पाँच स्टार्स देते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो एक स्टार रेटिंग दी जाती है वन टू फाइव से कि वन बींग द लोएस्ट एंड फाइव बींग हाईएस्ट एंड ये एक और चीज़ का भी मार्क uh, है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी ठीक है तो अगर आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो भी यू शुड बी एबल टू तो आंसर अगर स्टार रेटिंग की बात करें असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग लिख दे तो भी आपको समझ आ जाना चाहिए ठीक है और इसका बेसिक एजेंडा क्या है कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर ठीक है अब देखो दिस पार्ट कि कौन कौन से अप्लायंसेस पे ये पॉसिबल है ठीक है सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि इन जनरल छब्बीस अप्लायंसेस पे है दो रिसेंटली एड हुए हैं ठीक है ठीके? और दस मैंडेटरी अप्लायंसेज हैं बाकी वॉलन्ट्री हैं तो ध्यान रखना अगर एग्जाम में आ जाए सबके सब पे वॉलेंट्री है ठीक है तो आप बोलोगे नहीं जी दस पे मैंडेटरी है बाकी सब पे वॉलेंट्री है ठीक है और मानो या न मानो इस पर्टिकुलर पार्ट part से सवाल आया हुआ है कि उन्होंने अप्लायंसेस के नाम दिए हुए थे यूपीएससी में और पूछा हुआ था कि इनमें से किस में स्टार रेटिंग होती है ठीक है तो कितना ही फाफेस्ट क्वेश्चन है आपको सारा कुछ पता था लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है ठीक है यू आर नॉट एबल टू आंसर इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी स्कीम के एंड पे जाना डीप पे जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेक श्योर sure आप इसको एक बार देख लें इट विल बी ईजीअर फॉर यू टू आंसर ठीक है जी ओके okay. न्यूज़ में क्यों था जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली दो और चीज़ों के लिए आ, अभी इसको लॉन्च किया गया था सो फॉर दैट इट वॉज देयर अगर आप वो पूरी लिस्ट देख लेंगे तो उसमें सारी सारी छब्बीस चीजें हैं ना वन मोर थिंग दैट आई डिस्कस इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के बारे में कि अगर इस पे भी सवाल आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर पहली चीज इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी स्टैचुटरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहीं इंडिपेंडेंट uh, बॉडी लिखा हुआ आ जाए कुछ और बॉडी लिखा हुआ जाए यू शुड बेबल टू आंसर मिनिस्ट्री आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी है मतलब बेसिकली क्या होगा कि एनर्जी एफिशियंसी को ही और बेटर कैसे बनाया जाए इसके लिए इंस्टीट्यूशन बना दिया है तो उसको अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँगा तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है एनर्जी एफिशेंसी का पूरा का पूरा मैकेनिज़म की सर्विस कैसे होगी डिलीवरी कैसे होगी किस तरह से आप बात करोगे और जो भी कंज्यूमर्स हैं या एजेंसीज है या इंफ्रा है इस सभी से एसोसिएटेड एनर्जी एफिशिएंसी से उसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? तो अगर कोऑर्डिनेशन पे ऑप्शन आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर एक स्टैचुटरी uh, बॉडी है इंडिपेंडेंट बॉडी है उस पर सवाल आ जाए दैट ऑल्स यू शुड बी एबल टू आंसर ठीक है जी सिंपल था तो सिंपल कॉन्सेप्ट बट जितना डीप पे जाओगे यू विल गेट टू नो अ लॉर्ड ऑफ अदर थिंग ठीक है जी सो आई होप अब इस पूरे कॉन्सेप्ट आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं सो दैट वाज ऑल जैसा कि मैंने कहा है कि जो भी 2020 ट्वेंटी एस्परियंस है आपका प्रीलिम्स डेफो हो गया है मेक श्योर sure आप इस समय का पूरा योग करें राइट right? पूरा का पूरा उपयोग करें एंड क्रैश इन डे सीरीज इज द बेस्ट पार्ट इफ यू हैवन टेकन इट यू स्टिल हैव टाइम आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहैंस कीजिए लेकिन हाँ अगर आपको लगता है यूर प्रीलियम्स रेडी मेक श्योर यू कीप ऑन राइटिंग आंसर्स एंड the best part get them evaluated and actually work on yourself. Take तो आपको पूरा <coughs> का को पूरा कोर्स के बारे में सारा आइडिया है एंड जैसे like मैंने पहले भी कहा है कि इंडिविजुअल कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं उनको भी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ़ यू इन सम दिअर कॉम्पोनेट जो दो जो 2021 के बच्चे हैं आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जी ऑप्शनल्स एसेज पी सी एम बैच टे विद ऑल द कॉम्बिनेशन वेर एवर यू कैन सेव मनी एंड द बेस्ट पार्ट इंस्टॉलमेंट्स भी है ठीक है जी ओके okay. uh, जैसा कि मैंने हम अभी कहा आपसे कि इवेलुएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो बेस्ट पार्टिस की पूरे कोर्स में आपको क्वेश्चन भी इवेलुएट होके मिलते हैं ठीक है तो आप हमारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं ठीक है एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी ऑफ द पी डी एफ ऑफ द फ्री इनिशिएटिव आप स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम पर जाइए वहाँ पर कंपाइलेशन सेक्शन में है या फिर आप स्लीपी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें वहाँ भी ये सब कुछ अवेलेबल फॉर फ्री है ठीक है जी चलिए ओके okay, दोस्तों बाय बाय